सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल हेल्प चैनल को, दबाए इस बेल आइकन को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने। दोस्तों, अगर आप लोग एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन का सिम यूज करते थे तो उसमें आपको 35 का रिचार्ज कराना अनिवार्य था, जिसमें आपको 28 दिन की वैधता दी जाती थी। दोस्तों, अगर आप ये रिचार्ज नहीं कराते थे तो इसमें आपकी इनकमिंग आउटगोइंग कॉल दोनों ही बंद कर दी जाती थी। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कंपनी के इस प्लान से कंपनी को काफ़ी नुकसान हुआ है। इससे काफ़ी यूज़र अदर कंपनी में क्विट कर चुके हैं, जैसे कि BSNL वगैरह या जियो वगैरह। तो दोस्तों, इसी को देखते हुए अब ये कंपनी अपने प्लान में चेंज कर चुके हैं। अब दोस्तों, नया प्लान क्या है, अगर आप ये जानना चाहते थे तो इस वीडियो को अंत तक देखना। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अपने सुझाव या आपके जो भी आपकी शिकायत हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप जरूर करना कि जो नया ये प्लान आया है, ये प्लान क्या अच्छा है और क्या फ़ायदे होंगे या क्या नुकसान होंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वोडाफोन का सिम यूज़ किया करते थे उसमें आपको 35 का रिचार्ज कराना अनिवार्य था, लेकिन अब आपको 35 का रिचार्ज नहीं कराना, आपको वो रिचार्ज 24 रुपीज़ यानी कि आपको अब वहाँ पर 24 रुपये पे करना होगा, जिसमें आपको 28 दिन की वैधता मिलेगी। और दोस्तों, वहाँ पर आपको 100 मिनट दी जाएंगे, लेकिन आपको वो 100 मिनट यूज़ कैसे करनी है दोस्तों, ये 100 मिनट आप सिर्फ और सिर्फ नाइट में यूज़ कर सकते हैं। नाइट में आपको 11 से सुबह 6 बजे तक ये आपको मिनट यूज़ दी जाएंगी। और दोस्तों, इन मिनट का यूज़ आप सिर्फ वोडो टू वोडा या आप आइडिया टू आइडिया कर सकते हैं, या आप एयरटेल टू एयरटेल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अदर टेलीकॉम ऑपरेटर पर कॉल करना चाहोगे तो आप यहां पर कॉल नहीं कर सकते, ये कॉल सिर्फ आपको वोडो टू वोडा या एयरटेल टू एयरटेल या आइडिया टू आइडिया मिलेगी। तो ये कुछ नया प्लान है जो ये कंपनियाँ लेकर आई हैं। 24 रुपये का आपको ये प्लान मिलेगा, जिसमें आपको 28 दिन तक का वैलिडिटी दी जाएगी और यहाँ पर आपको 100 मिनट दी जाएंगी। तो दोस्तों, ये प्लान भी काफ़ी अच्छा नहीं है। दोस्तों, प्लीज़ नीचे कमेंट जरूर करना कि अब क्या होना चाहिए, आप अपनी राय जरूर दीजिए कि ये जो नया प्लान आए ये क्या अच्छा रहेगा, क्या इससे कुछ इन कंपनी को फ़ायदा होगा। कि दोस्तों, जियो के यहाँ पर आपको कोई प्लान नहीं लेना पड़ता, और कुछ इसी तरह BSNL भी है। तो दोस्तों, ये प्लान आया था 35 वाला आपका। तो दोस्तों, इस तरह की न्यूज़ आ रही है कि अब आपको 35 का रिचार्ज नहीं कराना, अब वो 35 वाला रिचार्ज आपको सिर्फ और सिर्फ 24 रुपीज़ यानी कि 24 रुपये पे करने होंगे, जिसमें आपको 35 रुपये का रिचार्ज हो जाएगा। तो दोस्तों, ये छोटी सी वीडियो सिर्फ मैंने इसलिए बताई थी कि यहाँ पर अब 35 का रिचार्ज बंद हो चुका है, अब आपको रिचार्ज कराना होगा सिर्फ और सिर्फ 24 रुपीज़। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, साइड में बेल आइकन जरूर दबाना ताकि हम जो वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। दोस्तों, फिर मिलता हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।